हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हम देखेंगे, है ना। तो पहले देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी जो पावर वन होती है, किसी इक्वेशन के पावर अगर मैक्सिमम पावर वन है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर अगर टू है ना, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, ये एक्स की जो एक्स के ऊपर टू टू स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसको अगर हम 25 के ऊपर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें दो वैल्यू देगा, एक प्लस में देगा एक माइनस में देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें वाई इक्वल्स टू अंडर रूट 25 लिखा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ही वैल्यू देगा, है ना, इसमें एक ही वैल्यू देगा, है ना, वाई इज इक्वल टू प्लस 5, ठीक है। वहीं अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है कि अगर मैक्सिमम पावर अगर 3 होती है, कोई भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जो है 3 होती है, उसको क्यूबिक क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। अब जैसे कि एक्स क्यूब इक्वल्स टू 25 लिखा हुआ है ना, अगर इसको हम क्यूब हटाना चाहते हैं, है ना, क्यूब हटाना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 5 आ जाएगी, है ना, इसमें दो वैल्यू नहीं आएगी, है ना, इसमें एक ही वैल्यू आएगी जो कि प्लस 5 आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू आती थी, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में प्लस 5 वैल्यू आती है, ठीक है। वहीं अगर लीनियर इक्वेशन की बात करें तो एक्स इक्वल्स टू क्यूब क्यूब 125 का हमें सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्लस 5 ही आएगा, ठीक है, इसमें दो कोई वैल्यू नहीं निकल करके आएंगी, इसमें प्लस 5 ही वैल्यू आएगी। तो हमने ये देख लिया कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, अब हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जैसे कि ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन जैसे एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले हम साइन कन्वेंशन से साइन निकालते हैं, तो इसकी साइन जो है क्या हो जाएगी, इसकी साइन प्लस हो जाएगी, क्योंकि पहली वाली साइन अपोजिट होती है ना, ये प्लस हो जाएगा, और इसकी साइन जो है ये आगे वाले देख कर आगे वाले को देख करके साइन चेंज करता है। मान लीजिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो एक एक साइन कन्वेंशन हमारा प्लस माइनस आ गया। फिर दूसरे इक्वेशन में देखते हैं तो एक इक्वेशन में हमारा प्लस आ जाएगा, एक साइन हमारा प्लस आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस अपोजिट हो जाएगा, फिर ये जो माइनस ही अपने आगे वाले को देख करके अपनी साइन चेंज करेगा, तो आगे में माइनस है तो अपना माइनस ही रखेगा ये, ठीक है। तो हमारा जो है प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसको देखते ही हम बोल देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है। अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे वाले क्वेश्चन का पहले हम साइन निकाल लेते हैं, तो पहले इसका जो साइन हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इस ये वाला साइन जो है आगे वाले को देख करके चेंज करेगा, तो आगे वाला जो है माइनस में है, तो आप जानते हैं कि जो माइनस में साइन रहता है आगे वाला, तो अपनी वैल्यू अपनी साइन एज इट इज रखता है, तो अपनी साइन जो है एज इट इज इसने रख लिया प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाली इक्वेशन का साइन निकालें तो इसका जो प्लस है इसका हमेशा अपोजिट रहेगा, तो अपोजिट मतलब माइनस हो गया, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाला जो साइन आएगा, ये वाला साइन जो है आगे वाले को देख करके चेंज करेगा, तो आगे वाला अगर प्लस है तो ये अपने को चेंज करना पड़ेगा इसको, तो इसने अपने प्लस को माइनस कर दिया, ठीक है। तो एक का प्लस प्लस आ गया, एक इक्वेशन का माइनस माइनस आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाली इक्वेशन जो है हमेशा बड़ी होगी दूसरे वाली इक्वेशन से, ठीक है। तो एक्स जो है ग्रेटर होगा वाई से, क्योंकि हम साइन देख करके ही बता सकते हैं जो प्लस वाली वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहती है माइनस वाली वैल्यू से, ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, पहले हम साइन निकालने की बारी आती है, साइन निकाल लेते हैं, तो इसका साइन क्या होगा, प्लस का माइनस हो गया, और इस ये वाला प्लस जो है अपने आगे वाले साइन को देख करके चेंज करेगा, तो आगे वाला प्लस है तो अपने आप को भी चेंज करेगा, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया। वही अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसमें भी आगे वाला प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये आगे वाले को देख करके चेंज करेगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो दोनों दोनों माइनस में है ना, तो इसमें हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम 48 का फैक्टर निकालेंगे, 48 के दो फैक्टर आएंगे, एक 12 आएगा एक 4 आएगा, 48 के दो फैक्टर आएंगे, एक 12 आएगा एक 4 आएगा। अब हम साइन के बारे में बात कर लेते हैं, माइनस माइनस दोनों में साइन लगेंगे, माइनस माइनस हमने दोनों में साइन लगा दिया, ठीक है। फिर 38 का फैक्टर निकालेंगे, 38 का दो फैक्टर निकलेंगे, 19 आएगा और एक 2 आएगा, क्योंकि जोड़ने पर जो है 21 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 38 आना चाहिए, ठीक है, इसका हम साइन लिख लेंगे, माइनस माइनस साइन आ गया। अब हमें कंपैरिजन करने की बारी आती है, अब माइनस 12 को माइनस 19 से हम कंपेयर करेंगे तो माइनस 12 बड़ा हो जाएगा,
ठीक है, -12 बड़ा हो जाएगा। फिर -12 को हम -2 से बड़ा कंपेयर करेंगे, जब -2 से कंपेयर करेंगे तो -2 बड़ा हो जाएगा इसमें, -2 बड़ा। तो कभी x बड़ा हो रहा है ना, तो कभी y बड़ा हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, चौथे क्वेश्चन की बात करें, तो ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसके साइन निकाल लेते हैं, एक में आ जाएगा प्लस और एक में आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, क्योंकि ये आगे वाले देख करके साइन को चेंज करेगा। तो आगे वाला जो है माइनस में है, तो अपनी एज इट इज वैल्यू रखेगा, ठीक है, प्लस प्लस हमारा आ गया। और दूसरी वाली इक्वेशन में हम आगे वाली वैल्यू, आगे वाली साइन देखेंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये वाला प्लस जो आगे वाले को देख कर चेंज करेगा, तो आगे वाला माइनस है तो अपना एज इट इज रखेगा, तो प्लस प्लस हमारी साइन आ गया। तो पहली इक्वेशन में भी प्लस प्लस और सेकेंड वाली इक्वेशन में भी प्लस प्लस, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा, अब कंपेयर के लिए हम फैक्टर निकालेंगे। तो 15 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आता है, 15 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 आता है। वहीं अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। तो 40 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो 210 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 1 35 आता है, ठीक है, और 1 6 आता है ना। 35 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, और इनको जोड़ने पर 41 आएगा, ठीक है। वहीं अगर 40 की बात करें तो 8 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और इनको जोड़ने पर 13 आता है, ठीक है, हमने ऐसे निकाल दिया। अब जो एक्स स्क्वायर के आगे जो वैल्यू दी गई 15, इसको अपॉन में लिखना पड़ता है हमेशा, ठीक है, हमें अपॉन में लिखना पड़ता है। अगर ये एक्स स्क्वायर के आगे कोई वैल्यू है 15 दे रखी है, तो 15 हमें अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो दोनों में हमने अपॉन अपॉन 15 कर दिया। वहीं दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसमें एक्स स्क्वायर के आगे 2 है, तो अपॉन 2 हमें लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है, हमने 2 लिख रखा है अपॉन में, दोनों वैल्यू में हमने 2 लिख दिया। अब साइन की बारी आती है, तो मैंने साइन पहले से निकाल रखा, तो दोनों में प्लस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, और यहाँ पे भी हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब कंपैरिजन की बारी आती है ना, अब इन दोनों की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2.3 आ गई, 0.4 आ गया, इसका 4 आ गया है ना, और इसका 2.5 आ गया, ठीक है, चार वैल्यू निकल करके आ गया। अब कंपैरिजन करेंगे, 2.3 को हम 4 से कंपैरिजन करेंगे तो इसमें 4 बड़ा है, मतलब y बड़ा है, ठीक है। फिर 2.3 को हम 2.5 से कंपेयर करेंगे तो 2.5 बड़ा है, तो इसमें जो है हमारा x1 जो है छोटा है y1 से और y2 से, ठीक है, x1 हमारा छोटा है y1 से और y2 से। वही हम 0.4 की बात करें, x2 की बात करें, तो x2 जो है 4 से कंपेयर होगा तो जो है y1 बड़ा होगा, ठीक है। वही 0.4 को अगर हम 2.5 से कंपेयर करें तो 2.5 ही बड़ा होगा। तो देखा जाए तो x2 भी जो है हमारा छोटा होगा y1 और y2 से, y1 और y2 से। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा x है वो छोटा है y से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो x है हमारा वो छोटा है y से, ठीक है। तो इस तरीके की रिलेशन आ जाएगा। वहीं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो एक्स स्क्वायर 49 है, ठीक है, और ये दूसरी इक्वेशन दे रखे, इसमें कोई साइन निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज आएंगे, एक +7 आएगी, एक -7 आएगी, ठीक है, हमने ये लिख दिया। फिर इसके बाद ये वाली इक्वेशन निकालते हैं, तो ये वाली इक्वेशन में 56 आता है ना, 56 आ रहा है हमारा, तो 56 का अगर फैक्टर करेंगे तो हमारा एक 8 आएगा और एक 7 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 को तो 56 आता है, और जोड़ने पर 15 आता है, तो हमारा सही है मतलब, ठीक है। अब हम साइन की बात करते हैं, तो ये प्लस साइन लगा हुआ है इसके आगे, तो प्लस का आप जानते हैं हमेशा माइनस होता है, और जो पीछे वाला साइन होता है ये आगे वाले को देख करके साइन चेंज करता है ना, आगे वाला प्लस है तो ये भी अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है। अब +7 को -8 से अगर कंपेयर करेंगे तो +7 बड़ा होगा, ठीक है। फिर +7 को अगर हम -7 से कंपेयर करते हैं तो +7 बड़ा होगा, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, x1 जो है वो y1 से भी बड़ा है और y2 से भी बड़ा है, ठीक है। वहीं अगर -7 की बात करें तो -7 जो है 8 से अगर हम -8 से अगर कंपेयर करते हैं तो -7 बड़ा होगा, ठीक है। और -7 को अगर -7 से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि x2 जो है वो बड़ा भी है और इक्वल्स भी है y1 से और y2 से, ठीक है। x2 जो है वो जो है बड़ा भी है y1 से y2 से और बराबर भी है, ठीक है। तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा
कि x जो है बड़ा है और बराबर है y से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि ये इक्वेशन ले रखी है तो इसको सॉल्व करना आप जानते हैं, 169 का जो रूट होता है वो 13 आता है, ठीक है। इस साइड ले जाएंगे इसको 13, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर लिखा होता है तो दो वैल्यू आती है, अगर सिंगल एक्स है तो एक वैल्यू आती है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन में आप जानते हैं सिंगल वैल्यू आती है, ठीक है। अब ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस 169 है तो इसमें दो वैल्यू आएंगे, क्योंकि 169 इस साइड लेके जाएंगे ना, 169 हम इस साइड लेके जाएंगे, 169 इस साइड लेने के जाने के बाद इसके ऊपर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट लगने के बाद इसमें दो वैल्यू निकल के आएंगे, इसमें दो वैल्यू निकल के आएंगे, एक 13 आएगी एक माइनस 13 आएगी, ठीक है। अब इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे, 13 को हम 13 से कंपेयर करेंगे तो ये बराबर है, और 13 को माइनस 13 से कंपेयर करेंगे तो 13 बड़ा होगा, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, एक्स जो है बड़ा होगा वाई से और बराबर होगा, ठीक है। फिर वही सेवन क्वेश्चन की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन हमारी ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 9y, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, तो पहली वाली इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं, तो 49 का हम फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, 7 और 7, ठीक है। दो फैक्टर आ गए हमारे, इसको जोड़ने पर 14 आ रहा है, ठीक है, हमारा 14 आ रहा है, ठीक है। अब हम साइन की बात कर लेते हैं, यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट होता है, और ये वाला जो प्लस है ये आगे वाले को देख करके चेंज करता है, आगे वाला प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे दो फैक्टर आगे -7 -7, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे इक्वेशन की बात करें तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे, वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0, फिर ठीक है वाई की एक वैल्यू हो जाएगी 0 और एक वाई की वैल्यू हो जाएगी -9, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे, है ना, 0 और -9 हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, -7 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो हमारा 0 बड़ा होगा, फिर -7 को -9 से बड़ा करें वो चेक करेंगे, -7 को -9 से अगर हम चेक करेंगे कौन सा बड़ा है तो -7 बड़ा है, ठीक है। तो कभी 0 बड़ा हो रहा है ना, तो कभी -7 बड़ा हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखते हैं, ठीक है। सो आपको इतना समझ में आया होगा, सो जितने और ज्यादा आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और जल्दी तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू।